हिमाचल चुनाव और गुजरात चुनाव के दरमियान, खास करके गुजरात को लेकर के राहुल काफ़ी एक्साइटेड हैं और ख़ास करके मंदिर पूजा पाठ कीर्तन करते हुए दिख रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर जा रहे हैं, आज फिर पूजा उनको करके पहुंचना है। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के प्रति आस्था कुछ बढ़ गया है गुजरात चुनाव के दरमियान। और मोदी जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं उन सभी जगह पर राहुल भी पहुँचे हैं। अक्षरधाम मंदिर पिछले दिनों पहुँचे हैं, आज भी पूजा की चर्चा है, कीर्तन करते हुए नजर आए हैं। देखिए ये इन लोगों को कई साल लग गए अपने आप को बड़ा अजीब किस्म का सेक्युलर कहते हुए। जैसे हमारे बंगाल में भी हमने देखा कि जो CPM के ज़माने में नेता लोगों को अगर मंदिर जाना होता था वो ऑफिशियली मंदिर नहीं जा सकते थे, पूजा नहीं कर सकते थे। ये बड़ा हंसने वाली बात है। अगर कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में रहे, उनका पॉलिटिकल बिलीफ और इसके साथ उसका अपना विश्वास को ज़रा मनाए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पॉलिटिकल जो पैटर्न था भारत में आज से 2-3 साल पहले तक, वो बड़ा एक सेट रूल था। अभी मोदी जी के चलते ऐसा हो रहा है कि सब अपने अपने विश्वास के साथ, अपना अपना बुद्धि के साथ अपना पॉलिटिक्स करो। तो ऐसा हो सकता है कि उनका भी लग रहा है राहुल भाई को कि हम भी थोड़ा सा पूजा पाठ के तरफ ध्यान रखें तो लोगों को भी लगेगा कि हम भी मतलब हिंदू हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर उनको पूजा करना है वो ज़रूर करें। ये किसी का निजी संपत्ति नहीं है। भगवान के द्वार पे जाना किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है और किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, तो वो ज़रूर जाए। लेकिन बात यह है कि थोड़ा सा मज़ा वाला लगता है देखने में कि उनके जो इमेज उन्होंने बनाए थे, पॉलिटिक्स में इमेज भी तो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ कभी कभार थोड़ा सूट नहीं करता। कोई बात नहीं, वो चेंज करेगा तो अच्छा है उनके लिए। देखिए पूजा पाठ में इंसान को शांति मिलती है, तो हार भी जाएंगे ना तो उनको मतलब शांति से उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो एक बहुत बड़ी बात है। अपना विश्वास है जो उसमें वो अगर वो तो खैर उनका जहाँ भी जैसा रिजल्ट होगा वो शांति से उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो पूजा में मन रहना बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नाम से एक सेकुलर पार्टी की बात की जाती थी, लेकिन उसके उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष बनने की बार बार घोषणाएँ हो रही है, लेकिन मंदिर की तरफ जो रास्ता जा रहा है लगातार, वो भी गुजरात को खास करके, थोड़ा सा पॉलिटिकल दिखता है। ठीक है, अभी बच्चा है, बड़े फैमिली के इज फ्री टू गो टू एनी मंदिर इफ ही विशेस टू, इट्स हिज चॉइस। इसमें ऐसे मुझे कोई मतलब अजीब नहीं लगता, अच्छा है। इनफैक्ट आई लाइक इट। मुझे लगता है कि अगर उनका जो पॉलिटिकल जो स्टांस है कि हम सेकुलर हैं, मतलब सेकुलर होना मतलब पूजा पाठ नहीं करना, ऐसा देश में भ्रम फैलाया गया था। हम सेकुलर मतलब हम पूजा पाठ नहीं करते, हम किसी पे कोई अलग से भरोसा विश्वास नहीं दिखा सकते, तो हम सेकुलर हैं। सेकुलर का मतलब ऐसा हो गया था, तो अभी नया तरीके से सेकुलर का मतलब अभी लोगों तक भारत में पहुंचेगा, वो एक अच्छी बात है। मतलब हम सेकुलर है फिर भी हम पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या होता था हमारे लिए, हम पूजा करते थे ओ तो ये तो अजीब किस्म का उनका धार्मिक हो गया, वो तब वो सेकुलर नहीं हो सकता। हम भी तो सेकुलर है, हम भी तो बड़े अच्छे से मानते हैं कि सब धर्म समन्वय है। ये भाजपा का ये दीनदयाल जी का बात है ये कि सब धर्म समन्वय है,
तो ये तो हमारा विश्वास है। तो सब अभी तक लग रहा था कि हम पूजा करते हैं मतलब वो अच्छा धार्मिक है, ये तो सेकुलर नहीं हो सकता। अभी ऐसा तो हिसाब कुछ गड़बड़ हो रहा है भारत में, ये अच्छा है, वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ न्यू इंडिया। तो लोगों का सोच भी अलग अलग हो। कई दिन जरूर एक मंदिर में मिल जाएंगे राम जी के साथ।